presentations has been started. As I promised, I will deliver you smart lectures on all major subjects including CPC, CRPC, PPC, Kanun-e Shahadat, Limitations, Specific, etc. Now we are starting with Civil Procedure Code, CPC. The reason behind starting with CPC is that mostly students, even lawyer thinks this is one of the tough subjects. But believe me, this is one of the easiest subjects and very interesting and well-organized subject. Because CPC is written in very well-organized manner. Dear law student, civil judge aspirants, I will try to teach you in simple but unique style, and I am very hopeful at the end of this lecture, the whole CPC will be in your mind. And you have also good command on CPC. और CPC का जो खौफ है वो भी इंशाल्लाह आपके दिमाग से उतर जाएगा. ये है ना CPC की किताब. सिर्फ इस किताब का कसूर ये है कि ये किताब की जो मोटाई है ना, इसको देख के जो आम लॉ का स्टूडेंट है, जो सिविल जज एस्पायरेंट्स है, वो खौफ ज़्यादा हो जाता है. जबकि ये इंतहाई ऑर्गेनाइज मैदर में लिखी हुई है. संभल कर बैठे, इंशाल्लाह हम CPC का पोस्टमार्टम स्टार्ट करने लगे और एट द एंड ऑफ दिस पोस्टमार्टम you have good grip on CPC. Before starting, one thing keep in mind, you are not required to remember CPC. You are not required to remember CPC, you are just required to understand CPC. How CPC moves? What are the steps of CPC? Okay? I start this lecture with the problems. Because if you find the root of the problem, the half of your problem automatically solved. The main problem which law students and civil judge aspirants faced in CPC, number one, what is the relation between section, order and rule? Sections many students faced, he cannot understand what is the relation between section, order and rules. Number two problem which also many students faced, problem of understanding the steps of CPC, how CPC moves. Problem of understanding the steps, stages, how CPC moves. Problem of this will be the discussion point in today's class. Problem of understanding how CPC moves. And number three problem, which many students also face, memorization of sections as well as memorization of orders as well as memorization of rules. So we are studying CPC. So anyone tell me what is CPC? Ji, Civil Procedure Code.
सिविल प्रोसीजर कोड, लेकिन मेरा मकसद ये था सीपीसी क्या है, मेरा सवाल ये था। तो सीपीसी प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑफ सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केसेस, इट्स वेरी सिंपल, इज इट ओके। आसान अल्फाज में सीपीसी बताती है कि सिविल केसेस में क्या प्रोसीजर इख्तियार करना है, मतलब सिविल केस किन किन मराहिल से गुजरेगा, किस तरह पार्टीज कोर्ट में आएंगी, किस तरह वकील साहब अपॉइंट होंगे, किस तरह पार्टीज को बुलाया जाएगा, किस तरह जज जो है विटनेस की एग्जामिनेशन करेगा, किस तरह केस को डिस्पोज किया जाएगा, किस तरह जज ऑर्डर डिग्री और पार्टीज अपील में जा सकती हैं, रिव्यू में जा सकती हैं, ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है मुख्तसर ये कि सीपीसी बताती है। सीपीसी सिर्फ यही बताती है कि सिविल केस को किस तरह चलाना है, इज इट क्लियर। आप में से कितनों को पता है कि सीपीसी को उर्दू में क्या कहते हैं? जी क्या कहते हैं? ज़ाब्ता दीवानी। उर्दू में ही पता होना चाहिए कि सीपीसी क्या है। कुछ लोगों को ज़ाब्ता दीवानी, ज़ाब्ता फौजदारी इनका पता ही नहीं होता और दो दो तीन तीन साल प्रैक्टिस हो जाती है तो बड़ी एम्बेरसिंग होती है। उर्दू भी आपकी एक ज़बान है, नो डाउट इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम है, लेकिन उर्दू में आपको ज़रूर अवेयर होना चाहिए कि इसका उर्दू में क्या मतलब है। एनीवे ये तो आपको पता था। अब दूसरी चीज़, हु हैज़ रिटन सीपीसी, हु हैज़ ड्राफ्टेड सीपीसी, आप इस तरह कह रहे हैं या रिटन कह रहे हैं, एनीवन नोज, वेरी एम्बेरसिंग। दिस इज द क्वेश्चन मार्क ऑन ऑल टीचर्स एज वेल एज कॉलेजेस। ये बात तो सबसे पहले बताने वाली है, टीचर्स की भी और स्टूडेंट की भी है जिम्मेवारी है कि वो सबसे पहले पूछें कि आप बताएं कि यार ये किताब सीपीसी है, इसको किसने लिखा है, इसको किसने ड्राफ्ट किया है। एनीवे सर अर्ल रिचर्ड, सर अर्ल रिचर्ड जो है इसको सीपीसी का बानी कहा जाता है, क्योंकि जिस कमेटी सीपीसी की थी उसको हेड जो है सर अर्ल रिचर्ड ने किया था। योर सीपीसी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सेक्शंस एंड ऑर्डर्स, ये बात तो सबको पता ही होगी तकरीबन। सीपीसी में टोटल कितने सेक्शंस हैं? 158 नहीं, 159 है पंजाब में, जबकि बाकी जो सूबे हैं सिंध केपी के और बलूचिस्तान उधर 158 हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि वहाँ भी 159 हो जाएंगे, क्योंकि पंजाब ने एक अमेंडमेंट की है और एक अच्छी अमेंडमेंट की है। 26 ए सेक्शन एक डाला है, 26 ए सेक्शन ये कहता है कि जितने भी सिविल मुकदमात हैं उनका फैसला 6 माह के अंदर अंदर करना ज़रूरी है, और 26 ए की वजह से सेक्शन 159 जो है उसको डाला गया है सीपीसी में। 159 ये कहता है कि 26 ए का इतलाक जो है माजी के तमाम मुकदमात पर होता है, यानी इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। ये खुश आइंद है क्योंकि हम स्पीडी जस्टिस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, और वो जो एक मुकदमा सालों साल चलता था सालों साल चलता था, इंशाल्लाह उम्मीद ये की जा सकती है कि इसके आने से वो मुकदमे की जो लेंथ है वो कम होगी और इंशाल्लाह 6 से 7 साल के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। सीपीसी में कितने ऑर्डर्स हैं? हाउ मैनी ऑर्डर्स इन सीपीसी? 51 ऑर्डर्स, ठीक हो गया। सो वी स्टार्ट विद ऑर्डर्स बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स एज वेल एज एस्पायरेंट थिंक्स ऑर्डर्स आर टू मच डिफिकल्ट। इन सिविल केसेस देर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टीज, वन इज कॉल्ड प्लेंटिफ, द अदर इज कॉल्ड डिफेंडर। एवरीवन नोज दिस आई होप। व्हेन यू वांट, व्हेन यू प्लान टू फाइल अ सिविल सूट इन अ सिविल कोर्ट, व्हाट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर माइंड? तो सबसे पहले क्या सवाल आएगा जब आप सिविल कोर्ट में मुकदमा लेके जाएंगे? तो सबसे पहले आपके सवाल माइंड में क्या आएगा कि किसके खिलाफ करना है, किसने आपका हक मारा है, किसने आपके खिलाफ रॉन्ग किया है? तो तय क्या पाया कि पहली चीज क्या जरूरी है? पार्टीज का होना,
देयर शुड बी पार्टीज। तो ऑर्डर वन में क्या है, ऑर्डर वन पार्टीज ऑफ सूट। तो तय ये पाया कि केस करने के लिए पार्टीज का होना जरूरी है, और ऑर्डर वन भी यही कहता है कि पार्टीज विल स्टार्ट द प्रोसेस। अब पार्टीज आ गई तो क्या करते हैं, कोर्ट क्या लेके जाएंगे, दावा करेंगे ना कि उसने आपका हक मारा है, यानी फिर आप कोर्ट में सूट लेके जाएंगे। तो दूसरा ऑर्डर देखें, वो क्या कहता है, ऑर्डर टू सूट फ्रेम ऑफ सूट। अब ये मैं नहीं कह रहा कि दूसरा ऑर्डर ये है, पहले तो पार्टीज आ गई तो पार्टीज कहेंगी ना कि मसला हुआ है, इसने मेरा हक मारा है, तो वो दावा लेके जाएंगी। और ये लॉजिक कह रहा है, ये ऑर्डर टू कह रहा है, ये सीपीसी कह रही है, आप भी खोल के देख सकते हैं। अब फ्रेम ऑफ सूट हो गया तो ऑर्डर तीन, फ्रेम ऑफ सूट हो गया, दावा भी आ गया, अब क्या करेंगे उसके बाद, अब ये करेंगे मुकदमा लड़ेगा कौन, पार्टीज आ गई, पार्टीज के बाद मुकदमा बन गया, अब लड़ना भी तो है ना किसी ने। तो ऑर्डर तीन में आता है एजेंट एंड प्लीडर्स, इसी में एडवोकेट्स आपके आएंगे। ऑर्डर थ्री, अब ऑर्डर वन में पार्टीज आ गई, ऑर्डर टू में दावा आ गया, अब तीसरे नंबर पे आ गया लड़ना किसने है, अब वकील साहब आ गए। अब ये देखिए लॉजिक से चल रहा है सिस्टम, अब वकील साहब आ गए तो वकील साहब क्या करेंगे, आपको किसी ने हायर किया कि जी मैं आपको इस केस के लिए हायर करना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे, यू विल फाइल द सूट इन कोर्ट। तो क्या होगा, ऑर्डर फोर में हमें क्या लिखना चाहिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब जब कोर्ट में आपने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कर दिया है, यानी केस दाखिल कर दिया है, तो अब खुद सोचें व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ जज, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट, क्या ड्यूटी होगी, क्या कोर्ट करेगी उसके बाद जो आपने केस दाखिल कर दिया। अंडरस्टूड सी बात है, द कोर्ट विल कॉल द अदर पार्टी दैट इज डिफेंडेंट, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आंसर अबाउट इट, आपके खिलाफ जो दावा हुआ है उसका आप आंसर दें आखिर। कोर्ट किस तरह बुलाएगी, कोई तो तरीकेकार होगा ना, अब बुलाना है आपने किसी बंदे को भी तो कोई तो काम होगा, शादी भी बुलाना है तो कोई तरीकेकार होता है ना, या आप कॉल करेंगे या आप उसे संदेशा भेजेंगे। तो कोर्ट भी क्या करती है, समन जारी करती है, और ऑर्डर पांच में भी इसी तरह ही लिखा है कि क्या करेगी, सर्विस ऑफ समन करेगी। ऑर्डर फाइव इज अबाउट सर्विस एंड इश्यूएंस ऑफ समन। अच्छा ये वर्ड समन नहीं होता, समन्स होता है, समन नहीं होता, समन्स होता है। अब आप बात करें, नोटिस आपने कोर्ट ने इशू कर दिया है, तो नोटिस में क्या होगा कि फलां तारीख को फलां बजे आप कोर्ट हाजिर हो, वरना आपके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो क्या है ऑर्डर फाइव, इश्यूएंस एंड सर्विस ऑफ समन के बारे में। अब सर्विस ऑफ समन होगी तो व्हाट विल कम नेक्स्ट, ऑर्डर सिक्स इज प्लीडिंग जर्नली, यानी ऑर्डर सिक्स अब क्या बताता है, ऑर्डर सिक्स इसी में नीचे कर लेते हैं जगह है, प्लीडिंग
Order 6 is about pleadings generally. यानी ऑर्डर 6 बताता है कि दावा और जवाब दावा लिखने के क्या असूल हैं, किस असूल के तहत लिखने हैं। कोर्ट है ना, फुप्पो का घर तो है ना कि अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी लिख दें। तो ऑर्डर 6 ने तय किए हैं, कवायद बनाए हैं कि प्लीडिंग इस तरह आपने लिखनी है हमेशा। सबसे पहले जज का नाम, फिर पार्टीज का नाम, फिर लिटिगेंट, फिर आपने फैक्ट्स बताने हैं, फैक्ट्स बयान करने हैं, ना कि आपने एविडेंस देनी है प्लीडिंग्स में। तो ये सारे कवायद और जवाबित आपको ऑर्डर 6 में मिलते हैं। अब प्लीडिंग के बाद देखें, प्लीडिंग में आगे दो चीज़ें क्या आती हैं। एक चीज़ आती है प्लीडिंग में आपकी प्लेंट, प्लीडिंग के बाद आएगी प्लेंट, और दूसरी क्या होती है, रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट, अब प्लीडिंग से ये दो चीजें निकलती हैं। अब देखें तरतीब से चल रहे, प्लीडिंग आ गई, प्लीडिंग से आगे दो चीजें निकलती हैं। तो ऑर्डर 7 टॉक्स अबाउट प्लेंट, ऑर्डर 7 टॉक्स अबाउट प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। ऑर्डर 8 टॉक्स अबाउट, ऑर्डर 8 WS के बारे में ऑर्डर 8। तो देखिए तरतीब से सारी चीज़ें आई है। अगर आपको बोर्ड को मिटाने से पहले एक बार फिर थोड़ी सी इसका नटशेल में बयान कर देता हूँ कि सबसे पहले क्या ज़रूरी है किसी भी सिविल मुकदमे में, पार्टीज़ का होना। पार्टीज़ आ गई, फिर मुकदमा, फ्रेम ऑफ सूट, फिर एजेंट। कौन लड़ेगा, कोई तो लड़ेगा ना। वकील साहब आएंगे, एजेंट होंगे, रिकग्नाइज किए जाएंगे। उसके बाद क्या है, वकील साहब ने क्या काम है, वकील साहब ने केस दाखिल करना है। जब केस कोर्ट में दाखिल करेंगे तो कोर्ट की क्या ड्यूटी है, ऑर्डर 5 में सर्विस ऑफ समन। फिर क्या बताया, ऑर्डर 6 में प्लीडिंग जनरली, प्लीडिंग किस तरह। फिर उसमें ऑर्डर 6, 7 और 8 में प्लेंट के बारे में, ऑर्डर 7 है और ऑर्डर 8 जो है आपका रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में है कि दावा के बाद जवाब दावा। जब लाजमी बात है प्लेंट जाएगी ऑर्डर 7 में, जब दावा होगा तो उसका जवाब दावा आएगा, वो ऑर्डर 8 में आएगा। ओके, इज इट क्लियर। अब जब जवाब दावा, रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने कोर्ट में जमा करा दी है, तो अब कोर्ट क्या करती है, खुद सोचें आप, और जो आप सोचेंगे वही अगला ऑर्डर होगा। अगर आप ये प्रोसेस को ऑलरेडी, आपको काफ़ी जो इसमें बैठे हुए हैं, कुछ प्रैक्टिसिंग लॉयर भी होंगे, अब यही स्टेजेस अगर तरतीब से क्या करती है, डिफेंडेंट को जब जवाब दावा जमा करा देता है, आफ्टर सबमिशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट व्हाट कोर्ट डू, जी हाँ क्या करती है, पार्टीज़ को बुलाती है कि अगली पेशी पर आओ और अपना स्टांस शो करो। अगर कोई पार्टी ना आए तो कोर्ट किस तरह केस चलाना है, और अगर दोनों पार्टियां आए तो कोर्ट ने केस को किस तरह प्रोसीड करना है, किस तरह चलाना है। सो ऑर्डर 9 टॉक्स अबाउट, मैं इसको साफ कर लेते हैं, ऑर्डर 9 talks about appearance of parties and consequences of non-appearance. yani order 9 talks about appearance of parties and consequences of non-appearance. yani agar parties court mein appear hoti hain to court ne kya layamal ikhtiyar karna hai, aur in case agar parties court mein appear nahi hoti तो कोर्ट ने क्या लामिल अख्तियार करना है, इसके बारे में ऑर्डर 9 हमें बताता है। इज इट क्लियर। अब अगर पार्टीज कोर्ट में आ गई, व्हाट विल कोर्ट डू, एक तो नहीं आई वो तो चले साइड पे हो गया, वो तो फिर ऑर्डर 9 में उसमें एक्स पार्टी आ जाएगा। इन केस अगर पार्टीज अपीयर हो जाती हैं ओ, तो अब कोर्ट क्या करेगी, व्हाट विल कोर्ट डू, खुद सोचें, थिंक इट। हाँ जी, पार्टीज को देखेगी, बिल्कुल सही, मतलब क्या करेगी, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज करेगी। ये अब मैंने नहीं आपको बताया कि क्या करना है, कोर्ट का काम आप खुद है ना। देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रही है, ठीक है ना। अगर दो बोथ पार्टीज कोर्ट में अपीयर होगी तो कोर्ट क्या करेगी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन बोथ पार्टीज, आइदर इट इज रियल और फेक। सो ऑर्डर 10 टॉक्स अबाउट examination of
पार्टीज, यानी अब कोर्ट ने एग्जामिन करना है कि ये वही पार्टियां हैं। अपीयरेंस होगी, अपीयरेंस के बाद एग्जामिन हो गया। ओके, इज इट क्लियर? यू शुड ट्राई हाउ सी पी एस इज रिटन। सी पी एस इज रिटन इन वेरी सिंपल वे, इन वेरी सिंपल फॉर्म, बट वी मेक इट डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट बनाया? रट्टा लगाया। रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डर 10 में भाई ये लिखा है, ऑर्डर 11 में ये लिखा है। समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज क्यों है, क्योंकि ऑर्डर 9 में पार्टीज अपीयर हुई हैं, तो ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन ही तो करनी है। अब पार्टीज की ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन हो गई, व्हाट विल कोर्ट डू? अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? ऑर्डर 11 टॉक्स अबाउट discovery and inspection. Order 11 में आप discovery and inspection आ जाएं, आप ये कहेंगे ये क्या चीज़ है? इसका ये मतलब हुआ कि जब parties आ गई दोनों, court में appear हो गई, लेकिन court या defendant कोई बात समझने से कासिर है pleading में, plaint में, या प्लेंटिफ जो है वो रिटन स्टेटमेंट में कोई बात उसको समझ नहीं आ रही, तो वो ऑर्डर 11 में डिस्कवरी का कह सकता है, उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है, उसको देख सकता है। तो इट्स मीन फर्दर सप्लाई ऑफ फैक्ट्स, कि आप फैक्ट्स को फर्दर सप्लाई करेगा, उसको जरा और क्लियर करने की कोशिश करेगा। इज इट क्लियर? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज भी हो गई, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन भी हो गई, तो इस दौरान कुछ ऐसी बातें होंगी जो डिफेंडेंट ने और प्लेंटिफ ने कबूल की होगी, यानी एडमिट की होगी। सो ऑर्डर 12 टॉक्स अबाउट एडमिशंस। यानी डिफेंडेंट एडमिटेड दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बट डिफेंडेंट डिनाइड दैट contract is not broken by him. So in this situation, QSA said, fact admitted need not to be proved. मतलब एक चीज़ already admitted है, उसको तो प्रूव नहीं करना ना, कोर्ट अपना भी टाइम जाया करेगी और इस ना दूसरी पार्टीज का भी टाइम जाया होगा, तो ताकि कोर्ट का भी टाइम बचे और पार्टीज का भी टाइम बचे। तो ऑर्डर 12 talks about admissions. अब क्या होगा? एडमिशन हो गया, यानी कुछ बातें डिफेंडेंट ने एडमिट कर ली है, लेकिन कुछ बातें नहीं की हैं। इस सूरत में कोर्ट क्या करेगी? यानी यहाँ तक, जहाँ तक एडमिट किया कि कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था लेकिन तोड़ा नहीं है, तो कोर्ट अब क्या कहेगी? दोनों बंदे अपनी जिद पे कायम है, प्लेंटिफ भी डिफेंडेंट भी। इस सिचुएशन में कोर्ट क्या कहेगी? यही कहेगी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाओ। यानी क्या? दोनों पार्टीज अपने अपने हक में डॉक्यूमेंट जमा कराएं, प्लेंटिफ अपने हक में जमा कराए, जो बात वो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, और डिफेंडेंट अपने हक में जमा कराए डॉक्यूमेंट के, कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसने नहीं तोड़ा है। और उसके बाद क्या होगा? उन डॉक्यूमेंट की कानूनी तौर पे कोर्ट कब्जे में रख सकती है, और उसके बाद अगर कोर्ट चाहे तो उसको वापस कर सकती है। तो ऑर्डर 13 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। इंपाउंडिंग कहते हैं कानूनी तौर पे कब्जे में रखना किसी चीज को। अब डॉक्यूमेंट को देखने के बाद, जब डॉक्यूमेंट हुई, प्रोटेक्शन हुई, इंपाउंडिंग हुई, कोर्ट ने कानूनी के तौर पे कब्जे में लिया, पार्टीज ने कानूनी तौर पे कब्जे में लिया, तो कोर्ट किसी नतीजे पे तो पहुंचेगी ना कि बजाय कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है या नहीं तोड़ा है। या ये भी हो सकता है डिफेंडेंट कहे कि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मेरे और इसके दरमियान हुआ, तो एक ये नई सिचुएशन आ गई। इस सिचुएशन में कोर्ट ने क्या करना है? तो ऑर्डर 14 जो है वो टॉक्स अबाउट सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, क्रिमिनल लॉ में
इसको सेटलमेंट ऑफ इशूज सिविल लॉ में होता है, जिस तरह क्रिमिनल लॉ में चार्ज होता है ना, तो फर्द जुर्म, तो यहाँ पे समझे फर्द जुर्म लगेगा, सेटलमेंट ऑफ इशूज होंगे कि यहाँ ये चीज़ सेट होगी कि एडमिशन तो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन अब क्या सेटलमेंट ऑफ इशू हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, ये बात नहीं मान रहे, तो इशू ये सेटल करना है कि कॉन्ट्रैक्ट आया टूटा है या नहीं टूटा है, कोर्ट ने अब ये चीज़ सेटल करनी है। लेकिन खुदा न खास्ता अब ये चीज़ समझें कि डिफेंडेंट कहता कि जी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ मेरा और इसके दरमियान, तो फिर कोर्ट ने क्या चीज़ सेटल करनी थी कि आया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है, तो फिर क्या होनी थी, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे सवाल आ जाना था, तो सेटलमेंट ऑफ इशू में वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आना था। लेकिन अभी क्या आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट टूटा है या कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटा है, तो ऑर्डर 14 टॉक्स अबाउट सेटलमेंट ऑफ इशूज। अब कोर्ट अपना दिमाग लड़ाएगी इस जगह पर, यानी सेटलमेंट ऑफ इशूज में दो बातें तय पाई हैं, एक तो मतलब फर्द जुर्म लगेगा तो डिफेंडेंट ने डिनाइड किया कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटा, लेकिन एक सिचुएशन खुदा ना खास से ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि डिफेंडेंट ये कहता है जी मेरा और इसके दरमियान तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, मैं तो प्लेंटिव को जानता ही नहीं हूँ। इस सिचुएशन में अब क्या आ गया, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिव पे आ गया कि प्लेंटिव प्रूफ करेगा ये बात कि भाई उसके और इसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो इस सिचुएशन में प्लेंटिव ने क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना है, कोई चीज़ प्रूफ करेगा। अगर खुदा न खासा प्लेंटिव प्रूफ करने में नाकाम हो जाता है तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज में वैलिडिटी नहीं रहती, तो फिर क्या होगा, लाजमी बात है ऑर्डर 15 इसको बल्कि मैं मिटा लेता हूँ, नए सिरे से लिख लेते हैं, ये आप लोगों ने लिख लिया ना, ठीक है। ऑर्डर 15 टॉक्स अबाउट डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग, यानी बात ये तय पाई कि डिफेंडेंट इस बात पे हो गया कि मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, तो इस सिचुएशन में ऑर्डर 15 मतलब ऑर्डर 15 जो है कि अगर कोर्ट ये समझती है केस में जान ही नहीं है, तो पहली पेशी पे अगर कोर्ट ने केस को ख़त्म करना है तो उसके बारे में तमाम तर क्या किस तरह प्रोसीजर है वो ऑर्डर 15 में बयान किया गया है कि कोर्ट किस तरह केस को पहली हेयरिंग पे डिस्पोज कर सकती है। लेकिन अगर कोर्ट ये समझती है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट टूटा है और जो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज में ये बात तय पाई है कि कॉन्ट्रैक्ट टूटा है और कॉन्ट्रैक्ट भी इनके दरमियान हुआ था, तो फिर केस को वो लाजमी बात है आगे प्रोसीड करेगी, तो आगे प्रोसीड करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है केस को आगे, तो कोर्ट क्या कहेगी, आप क्या समझते हैं क्या चीज़ आगे होनी चाहिए, कि अब दो बंदों को आप कॉमन सेंस समझ लें कि रोड पे भी काम हुआ है तो आपने समझ लें दोनों के दरमियान, तो आप यही कहेंगे अपने अपने हक में कोई गवाह भी लाओ भाई कि लड़ाई हुई है, इसने तुम्हें मारा, तुम्हारा कोई गवाह है, यानी समन ऑफ विटनेसेस, कोर्ट समन्स करेगी जारी विटनेसेस को कि आओ अपनी हाजिर लगाओ, इस तारीख को फलां पेशी पे आओ और हमें बयान करो कि असल वकूआ क्या हुआ था, गवाही दो इनके बारे में। गवाही देने के लिए कोर्ट क्या करेगी, समन्स, ऑर्डर 16 टॉक्स अबाउट समन ऑफ विटनेसेस, मतलब अगर केस आगे फर्दर प्रोसीड करना है तो लाजिम बात है विटनेसेस की जरूरत पड़नी है, क्योंकि गवाही जो है एविडेंस ही केस को किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचाएगी, अदरवाइज डिस्पोजल ऑफ सूट हो गया था। अगर नहीं हुआ तो कोर्ट ने फिर क्या किया था, गवाहों को समन्स जारी कर दिया, तो ऑर्डर 16 टॉक्स अबाउट समन्स ऑफ विटनेसेस। अच्छा, अब ऑर्डर 16 के बाद ऑर्डर 17 की बारी आती है, मेरे ख्याल में ऑर्डर 17 को शुरू के ऑर्डर में होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ऑर्डर 17 अगर किसी पार्टी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं या वकील साहब अवेलेबल नहीं हैं या किसी और वजह से वो पार्टी कहते हैं जी थोड़ी सी मोहलत दे दें, जिसको हम कहते हैं जी मोहलत दे दें, अगली पेशी तक का टाइम दे दें, एक पेशी और डाल दें, एक डेट और दे दें, तो इसको क्या कानूनी जबान में कहते हैं, एडजर्नमेंट। इसको क्या कहते हैं, एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का जो सेक्शन है ऑर्डर है, ऑर्डर 17 टॉक्स अबाउट एडजर्नमेंट।
जिसे हम कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये ऑर्डर 17 के थ्रू होती है, यानी अगर विटनेस कहते हैं हम इस पेशी पे नहीं आ सकते हैं तो हमें को थोड़ा टाइम दो, तो ऑर्डर 17 के थ्रू कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि एडजर्नमेंट दे सकते हो। और ये एमसीक्यूज भी आता है, जितने भी आपके लॉ के एमसीक्यूज के पेपर्स होते हैं एडीपीबी में, उसमें भी ये होता है कि एडजर्नमेंट का जो सेक्शन है वो 17(1) है। 17(1) डील करता है, कोर्ट को ये अख्तियार देता है कि वो तारीख दे सकती है, थोड़ा टाइम दे सकती है। ठीक हो गया। अब पार्टीज भी आ गई हैं दोनों, इशू भी सेटल हो गए, यानी जिसको हम फर्द जुर्म कहते हैं वो भी लग गया, इशू सेटल हो गए, उसके बाद विटनेस भी आ गया। अब क्या कोर्ट करेगी, व्हाट विल कोर्ट डू, व्हाट विल कम नेक्स्ट, क्या आगे होना चाहिए, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। यानी ये देखें, सब पूरा केस बन चुका हुआ है, पार्टीज आ गई, गवाहों को भी बुला लिया, तो अब क्या करना है, कोर्ट क्या करेगी, जब सारे के सारे बंदे आ गए हैं दोनों पार्टीज के केस से, जिसका लिंक था वो पहुंच चुका है, तो कोर्ट क्या करेगी, हेयरिंग शुरू करेगी। कोर्ट क्या करेगी, हेयरिंग ऑफ केस करेगी, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस करेगी, हेयरिंग ऑफ केस करेगी। ऑर्डर 18 टॉक्स अबाउट हेयरिंग, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जगह छोटी है तो मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा, बस आप हेयरिंग ऑफ केस की करेगी और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस करेगी, और विटनेस को भी हेयर करेगी, हेयरिंग दोनों पार्टीज को करेगी और एग्जामिनेशन करेगी कि आया विटनेस जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कोर्ट अपना भी जो है, अपनी जुडिशियल अप्रोच को है वो भी यूज़ करेगी। तो ऑर्डर 18 टॉक्स अबाउट हेयरिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। नाउ ट्रायल हैज़ बिगिन, ट्रायल शुरू हो गया है ऑर्डर 18 के साथ ही, क्योंकि अब तमाम पार्टीज अंडर अम्ब्रेला ऑफ कोर्ट आ गई हैं, तो अब ट्रायल शुरू हो गया। अब हेयरिंग के दौरान कोर्ट अलाउ करेगी या आपको करती है कि यार ये चीज़ आप जो है डॉक्यूमेंट की, एफिडेविट की शेप में जमा करा सकते हो, या तहरीरी शहादत जिसको हम कहते हैं अक्सर, कि गवाहों को कहते हैं कि यार आप तहरीरी शहादत के तौर पर चीज़ जमा कराओ ताकि कोर्ट का टाइम सेव हो सके। तो इस सूरत में ऑर्डर 19 टॉक्स अबाउट एफिडेविट्स। एफिडेविट्स, ठीक है ना, कि एफिडेविट्स किस तरह जमा कराने हैं, क्या उसके लिए प्रोसीजर होगा, क्या तरीक़ेकार है, उसके बारे में सारा का सारा ऑर्डर 19 बयान करता है कि जिसको हम तहरीरी शहादत, क्योंकि अगला प्रोसेस शहादत का आ गया ना, तो शहादत जो तहरीरी है वो किस तरह जमा करानी है, ऑर्डर 19 इसके बारे में अब हमें बताता है कि केस को किस तरह चलाना है और उसकी एफिडेविट्स किस तरह जमा करानी है। अब केस की सुनवाई भी होगी है, कोर्ट में एफिडेविट्स भी जमा करा दिए हैं, गवाहों पे जरा भी होगी है, पार्टीज पे जरा भी होगी है, हेयरिंग भी होगी है, तो कोर्ट अब क्या करेगी, अब कोर्ट क्या करेगी, व्हाट विल कोर्ट डू, वो करेगी जिसका तमाम पार्टीज को तकरीबन इंतजार होता है, कोर्ट विल ग्रांट डिग्री, कोर्ट विल ग्रांट डिग्री। नाउ ट्रायल शुरू हुआ था, अब ट्रायल खत्म हो रहा है। ऑर्डर 20 टॉक्स अबाउट जजमेंट्स, जजमेंट्स एंड डिग्री। कोर्ट डिग्री ग्रांट किस तरह करेगी, इसके बारे में ऑर्डर 20 डील करता है। ऑर्डर 20 बताता है कि कोर्ट ने डिग्री किस तरह ग्रांट करती है और क्या क्या डिग्री में लवाजमात होने चाहिए, क्या प्रोसीजर कोर्ट इख्तियार करेगी, कितने दिन के अंदर कोर्ट पाबंद है डिग्री लिखने की, कितना टाइम ले सकती है, ये सारा का सारा ऑर्डर 20 इसको डील करता है। अब डिग्री हो गई है, आपके हक में फैसला आ गया है, तो इस डिग्री को इम्प्लीमेंट भी तो कराना है ना। अगर पार्टीज़ नहीं प्यार से मानती हैं, एक तो होता है पार्टीज़ मान लेती है प्यार से, वो कहती हैं ये लो जी मकान आपका था, हमने गलत कब्जा किया हुआ था, कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया है तो आप ले लो, लेकिन इन केस पार्टीज़ बजिद हैं, वो कहती हैं कि नहीं हमने नहीं मानना, तो ये इसको एग्जीक्यूशन कहते हैं, किस तरह हुक्म पर अमल कराया जाए। तो ऑर्डर 21 टॉक्स अबाउट एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, इसको एग्जीक्यूशन को उर्दू में इजरा कहा जाता है, कि किस तरह कोर्ट जो है अपने ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट कराएगी। ये विद फोर्स भी हो सकता है और विदाउट फोर्स भी हो सकता है, यानी प्यार मोहब्बत से, यानी प्यार मोहब्बत से भी हो सकता है। जिसके खिलाफ फैसला हुआ है पार्टी खुदा ना खास्ता,
कोर्ट का हुक्म ना माने तो इस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, फोर्सेस को कहेगी, पुलिस को कहेगी कि बाय फोर्स अपने ऑर्डर पर इंप्लीमेंट कराओ, मैंने जो हुक्म किया था उस पर इंप्लीमेंट कराओ, और पार्टीज को, जो पार्टी जो जीती है जिसके हक में फैसला हुआ है उसको इंसाफ दिलाओ। ऑर्डर 1 to 21 इज द बिगनिंग ऑफ ट्रायल एंड द एंड ऑफ ट्रायल, यानी ट्रायल शुरू हुआ था और ट्रायल ख़त्म हो गया ऑर्डर 21 के साथ ही। एग्जीक्यूशन मतलब उस पर इम्प्लीमेंट किस तरह कराना है, डिग्री हुई, डिग्री के बाद एग्जीक्यूशन हुई कि ऑर्डर कोड के किस तरह इम्प्लीमेंट कराना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सीपीसी के जो बाकी ऑर्डर्स हैं वो किस लिए हैं, तो उस पर भी आता हूँ, लेकिन उस पर आने से पहले जो पढ़ा है जितना उसका हल्का सा आपको बयान कर देता हूँ कि ताकि आपको सीपीसी समझने की कोशिश कीजिएगा, मज़ीद आपके माइंड में बैठे कि कोर्ट में जो केस आता है तो सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है, पार्टी का होना। ऑर्डर वन कहता है पार्टीज, देयर मस्ट बी पार्टीज, पार्टीज आ गई तो ऑर्डर टू क्या कहते हैं, पार्टीज के आने के बाद ऑर्डर टू में क्या है कि मुद्दा क्या लेके आए हो, कोई वकुआ है, कोई वजह है, तो वो क्या है, फ्रेम ऑफ सूट ऑर्डर टू बयान करता है। ऑर्डर टू में फ्रेम ऑफ सूट हो गया, फिर ऑर्डर थ्री के जो मुकदमा है वो किसने लड़ना है, तो क्या है, रिकग्नाइज एजेंट करेंगे। फिर क्या है, अब जब वकील साहब को कर दिया है कि जी आपने ये मुकदमा लड़ना है, आपको किसी ने बना लिया ये मुकदमा लिया, तो आप क्या करेंगे, जाके कोर्ट में जाएंगे, केस दाखिल करेंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट करेंगे। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बाद कोर्ट की अब क्या जिम्मेदारी है, कोर्ट किसके बाद क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इशू करेगी, नोटिस जारी करेगी, समन जारी करेगी कोर्ट कि आओ फलां तारीख को फलां बजे आप कोर्ट में हाजिर हो। अब ऑर्डर फाइव ये बात करता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑर्डर फाइव इसी तरतीब से सीपीसी चल रही है। अब उसके बाद क्या है, तो जब प्लेंटिफ आएगा क्या चीज़ भेजेंगे, प्लेंटिफ जब डिफेंडेंट कोर्ट में हाजिर होगा तो उसको क्या कोर्ट देगी, प्लेंट देगी कि यार ये प्लेंट है, ये दावा पढ़ लो, इसका जवाब दे देना। तो दावा कौन सा, ऑर्डर 7। अब जवाब दावा किस तरह देगा डिफेंडेंट, किस ऑर्डर के थ्रू, ऑर्डर 8। अब ये हो गया, उसके बाद जवाब दावा भी आ गया तो कोर्ट अब क्या कहेगी, दोनों पार्टीज़ को कहेगी आ जाओ, दोनों पार्टीज़ को कहेगी आ जाओ कोर्ट में, तो कोर्ट ऑर्डर 9 में दोनों पार्टीज को अपियर करेगी, और इन केस पार्टीज नहीं अपियर होती तो उसका ही प्रोसेस ऑर्डर 9 में है। अब पार्टीज अपियर होगी कोर्ट में, तो ऑर्डर 10 टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, पार्टीज को कोर्ट एग्जामिन करेगी, और फिर वो ऑर्डर 11, 12 और 13 डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन करेगी, कोई चीज़ें जो एडमिट की है उसके बारे में है, और ऑर्डर 14 जो है, ऑर्डर 13 प्रोटेक्शन एंड डॉक्यूमेंट जो करती है कोर्ट, इम्पाउंडिंग वाले के डॉक्यूमेंट को अपने कब्जे में रख सकती है, ये ऑर्डर 13 के हिसाब से। अब इसके बाद ऑर्डर 14, व्हाट इज ऑर्डर 14, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, दोनों पार्टीज आ गई, पार्टीज को अपीयर कर लिया तो क्या करेगी, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करेगी, इशू सेटल करेगी, और क्या क्या पता कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि केस बनता ही नहीं है, तो फिर क्या करेगी कोर्ट, कहेगी घर जाओ, प्लेंटिफ को कही तुम्हारा तो दावा नहीं बनता, ऑर्डर 15 के अंदर डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हेयरिंग कर देगी, और इन केस कोर्ट समझेगी केस तो बनता है, तो फिर वो क्या करेगी, समन जारी करेगी विटनेसेस को कि आओ अगली पेशी पर, और जब समन जारी करेगी तो मे भी एडजर्नमेंट तारीख, ये मैंने इसीलिए आपको कहा था कि इसको अगर शुरू की होता तो ठीक है, ये आप याद रखें कि एडजर्नमेंट आ जाता है, जब समन जारी करेगी तो फिर क्या करेगी, केस की हेयरिंग बाकायदा सुनवाई होगी, बाकायदा सुनवाई होगी और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगी कि विटनेसेस वही हैं जिनको बुलाया था, ये तो नहीं कोई फेक आ गए, और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बाद कोर्ट के अपने टाइम बचाने के लिए, पार्टीज़ का टाइम बचाने के लिए वो कहेगी एफिडेविट जमा कराओ, तहरीरी शहादत जमा कराओ, लिख के कराओ, साइन कराओ, अंगूठा लगाओ और कोर्ट में जमा कराओ कि जो तुम लिख रहे हो ये सही लिख रहे हो, ये सच है और यही वकुआ हुआ था। उसके बाद कोर्ट, जब जज साहब के पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, सुनवाई भी होगी, तो जज साहब बैठेंगे कोर्ट के अंदर अपने रूम के अंदर और फिर वो फैसला तहरीर करेंगे, इन तमाम पीछे को हेयरिंग को देखते हुए, एग्जामिनेशन जो विटनेस उसको देखते हुए वो जजमेंट डिग्री पास करेंगे, और डिग्री पास करने के बाद तो जज साहब की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको एग्जीक्यूशन कहते हैं, ऑर्डर की जो एग्जीक्यूशन होगी वो ऑर्डर 21 के थ्रू। तो देखें ट्रायल शुरू से लेके ट्रायल एंड हो गया, ट्रायल शुरू से लेके ट्रायल एंड हो गया, और आई एम वेरी होपफुल कि अगर आप सीपीसी को समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह अभी मैंने कोशिश की है, थोड़ी सी नाकिस कोशिश की कि आपके माइंड में बैठे, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह प्रोसेस मूव कर रहा है तो सीपीसी आपके माइंड से नहीं निकलेगी, लेकिन अगर आप रट्टा लगाएंगे तो फिर शायद सीपीसी फिर आपको भूल जाए और फिर आप ऑर्डर में कन्फ्यूज़ हो गए हो। मैंने बड़े बड़े सीनियर लॉयर्स को भी देखा, वो ही पूछ होते हैं कि रिटर्न ऑफ प्लेंट का कौन सा ऑर्डर है, प्लेंट का कौन सा 7 है या 6 है या 8 है, बड़े बड़े सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट के,
तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सीपीसी को प्रोसेस को समझने की कोशिश करें, रट्टे से बाज रहें। एनी क्वेश्चन? जी ठीक हो गया जी। सेक्शन की साइड पर भी आते हैं। सेक्शन की बात से मुझे याद आया आपकी, कि आपको बताता चलूँ कि जिस तरह ऑर्डर्स लिखे हैं सिविल प्रोसीजर कोड में, सिमिलरली सेक्शंस आर रिटन इन सिविल प्रोसीजर कोड। ये बात आप मेरे माइंड में बिठा लें, शायद आज से पहले ये बात आपको मालूम ना हो कि सीपीसी में जो ऑर्डर्स भी हैं उसी तरतीब के साथ सेक्शंस रिटन किए गए हैं। तो सेक्शंस पे आते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको सेक्शंस के पे आ जाते हैं। ठीक है, आप ऑर्डर से थोड़ा बोर हो गए हैं, तो अभी वैसे भी ट्रायल इसका हमने ख़त्म कर दिया है, तो कोशिश करता हूँ मैं सेक्शंस में भी ट्रायल को ख़त्म करने की, और फिर फर्दर ट्रायल के जो आगे प्रोसेस है फिर वो उसको सेकंड करेंगे। सेक्शंस सीपीसी में कितने, बात ये पहले भी बताई थी आपको लेक्चर में, 158 हैं अदर दन पंजाब, मतलब पंजाब के अलावा, लेकिन पंजाब में 159 है, जो रिसेंट एक अमेंडमेंट हुई थी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है जिसका, ये 6 माह के अंदर 26A का दाखिल किया था सीपीसी के अंदर, कि 6 माह के अंदर हर केस का फैसला करना है, तो उसकी वजह से 159 किया था। चलें अब आते हैं सेक्शन की साइड पर। अगर तो सेक्शंस की बात अगर हम करते हैं तो आपके क्या माइंड में आएगा कि सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होने चाहिए, खुद सोचें। अगर आप सेक्शन स्टार्ट होने हैं ना तो किधर से होंगे, तो किसी भी चीज़ को अगर शुरू करते हैं सर फिर हाथ फिर पैर, ये तो नहीं ना पैरों से होगी, ठीक है ना। तो लाजमी बात है सीधे तरीके से सबसे पहले सेक्शन का इंट्रोडक्शन, आप सवाल कोई लिखते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले क्या हम सेक्शन में इंट्रोडक्शन आता है, सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट इंट्रोडक्शन। सेक्शन 1 जो है क्या करता है, लिख देता हूँ आपको माइंड में, शायद थोड़ा बहुत रहे, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो सेक्शन 1 में इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन हर किसी भी बेयर एक्ट को आप उठाएं तो सेक्शन 1 में उसका इंट्रोडक्शन होगा। तो सेक्शन 1 क्या कहता है, कोई बता सकते हैं सेक्शन 1 में क्या लिखा है? सीपीसी का नाम लिखा होगा ना, आप जब जाएंगे किसी जगह पे तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे ना, मैं ये चीज़ हूँ। तो सीपीसी भी अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। सीपीसी क्या कहती है कि दिस एक्ट इज साइटेड एज सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है ना, और क्या इट शेल कम इन टू फोर्स, तारीख बता रही। ये बड़ा है, एक एमसीक्यू उसका सवाल है, एपीपी और गेट के लिए भी आता है, जो लॉ के लाइसेंस के असूल के लिए आप लोग करते हैं, और एपीपी का पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो भी लॉ का एमसीक्यू आता है उसमें सवाल आ जाता है अक्सर कि कब इन्फोर्स हुई, ठीक है। तो ये आप तारीख याद रखें, 1 जुलाई, 1st of July 1908 में, ये तो आपको 1908 पता होगा, लेकिन डेट ऑफ जो है ना इन्फोर्समेंट इसकी हुई है 1 जुलाई को। ओके हो गया, इन्फोर्समेंट भी आपको बता दी 1st of July। उसके बाद फर्दर क्या कहते हैं, इट एक्सटेंड टू होल पाकिस्तान, ये क्या करेगी, होल पाकिस्तान में एक्सटेंड करती है सीपीसी। ओके, इज इट क्लियर, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब देखें सेक्शन 2 की बात करते हैं, सेक्शन 2 में क्या होना चाहिए, ये इन्फोर्समेंट और ये आई थिंक आपको पता लग गया होगा। सेक्शन 1 में जिस तरह हमने कहा इंट्रोडक्शन है, और हमेशा इंट्रोडक्शन होता है, तो सेक्शन 2 में बेयर एक्ट में हमेशा क्या होता है, मतलब मोस्टली बेयर एक्ट में क्या होता है, कोई बता सकता है? वेरी डिस्गस्टिंग। सेक्शन 2 जो है ऑलवेज टॉक्स अबाउट डेफिनेशंस, किसके बारे में होता है, डेफिनेशंस बयान करते हैं, जो शॉर्ट डेफिनेशन जितनी होती हैं वो मेजॉरिटी सेक्शन 2 के अंदर होती हैं। तो इंट्रोडक्शन हो गया, फिर सीपीसी बता रही है कि जो आगे बातें हैं, कुछ जो मुश्किल बातें हैं कुछ आसान हैं, उनकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में बयान की जा रही है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन आती है, एक डिग्री की बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, और डिग्री 2-2 है, और इसमें जजमेंट की है 2-9 है, और ये दोनों जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेशक वो सिविल जज का इम्तिहान हो या वो आपका लॉ का इम्तिहान हो। तो सेक्शन 2 में आगे, और इसके बाद अगर हम देखें सेक्शन 3 से लेके 7, 4, 5, 6,
and 7. 7 is omitted. Sorry, 8. 8 is omitted. ठीक हो गया, 8 omitted है. अब 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे जो हैं इब्तदाई सेक्शन हैं, इसमें छोटी मोटी बातें हैं सवाए सेक्शन 6 के. सेक्शन 6 में पिक्यूनरी जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट बयान की गई है. क्या चीज? पिक्यूनरी जुरिडिक्शन के बारे में है. ये एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, वरना बाकी 3, 4, 5 जो बिल्कुल गैर इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है. तो सेक्शन 6 में पिक्यूनरी जुरिडिक्शन के बारे में बताता है कि कोर्ट जो है अपनी पिक्यूनरी जुरिडिक्शन के अंदर रहते हुए समाअत कर सकती है. और सेक्शन 7 जो है ये स्मॉल काजिस कोर्ट के बारे में है, ये अब तकरीबन पाकिस्तान में इसका वजूद नहीं है. और सेक्शन 8 जो है ये ओमिटेड है. इज इट क्लियर? तो इसके बाद अब बात करते हैं हम सेक्शन 9, 10, 11, 12. अब सेक्शन 9 की बात करते हैं, लेकिन सेक्शन 9 की बात करने से पहले 1 से 8 तो हमने कह दिया कि इब्तदाइया सेक्शन है, लेकिन 9 से लेके 25 जो है इसको CPC में पार्ट 1 का नाम दिया है, और इसका नाम है सूट इन जनरल्स. यानी इसमें किस तरह सूट दाखिल करना है, किस तरह हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं, कौन सा केस किस कोर्ट में होना है, तो ये सारी बातें, किस कौन से केसेस हैं वो आप कोर्ट नहीं लेके जा सकते, कोर्ट उस पर स्टे दे देगी, आप दोबारा कौन से केस नहीं कर सकते, केस को आप दूसरी बार नहीं कर सकते, ये सारी बातें इस पार्ट में, इसलिए इसका नाम है सूट इन जनरल्स. तो सबसे पहले सेक्शन 9 की बात करता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्पेशली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि कोर्ट टू ट्राई ऑल सूट अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, कि कोर्ट हर केस की सुनवाई कर सकती है जब तक कि उस पर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार ना हो. तो सेक्शन 10 ने कहा कि हर केस कर सकती है, साथ ही अगर सेक्शन देखें 10, 11 और 12, सेक्शन 9 ने कहा कि कोर्ट हर केस की सुनवाई कर सकती है, लेकिन 10, 11, 12 ने साथ ही कदम लगा दी, बार लगा दिया कि सब केस कर सकते हो लेकिन इन केस में नहीं कर सकते. अब सेक्शन 10 में क्या कहता है, बहुत ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रेस सब्जुडाइज. ठीक हो गया, सेक्शन 10, 11 और 12, 12-2 इसको एक कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रेस सब्जुडाइज मीन कि एक केस को सेम नेचर का केस है, दो पार्टीज के दरमियान ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रहा है, तो वही लिटिगेंट वो केस किसी दूसरी कोर्ट में सेम नेचर का नहीं लेके जा सकते. अगर लेके जाएंगे तो कोर्ट जिस केस में, जिस कोर्ट में लेके जाएंगे, तो उसकी ड्यूटी है कि उस पर स्टे लगा दें, क्योंकि इट इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम, कोर्ट का भी, पार्टीज़ का भी, और पैसे का भी ज़्यादा पार्टीज़ के लिए, कि वो नए सिरे से वकील करेंगे, नए सिरे से वो आएंगे. तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि एक केस को दो बार सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अगर ऐसा कोई केस कोर्ट में आएगा तो कोर्ट उसको क्या करेगी, स्टे लगा देगी. ठीक होगा, इसके साथ ही अब सेक्शन 10, ये तो वो था कि ऑलरेडी केस चल रहा है. सेक्शन 10 के बाद दूसरा जो आता है सेक्शन 11 में, कि एक रेस जुडिकाटा, कि एक केस का ऑलरेडी फैसला हो चुका हुआ है, डिसाइडेड केस है, मेरे और आपके दरमियान कोई झगड़ा था जमीन का, वो एक कोर्ट ने उसका फैसला दे दिया, हम 1-1.5 साल लड़ते रहे, उस पर फैसला हो गया, ऑलरेडी उस पर फैसला हो चुका हुआ है. अब उसी केस को अगर मैं लेके दोबारा मैं हार गया हूँ, और मैं नए सिरे से कोर्ट में जाता हूँ और कहता हूँ कि यार ये केस है, इस तरह मेरी ज़मीन इसने ले ली है, तो आपके पास क्या राइट है? आपके पास ये राइट है कि आप वो फैसले की कॉपी लेके जाएंगे, और कोर्ट में जो मैंने जिस कोर्ट में फैसला किया है, कि जिस कोर्ट में मैंने केस किया है, आप उनको जाके बताएंगे कि ऑलरेडी ये केस इस कोर्ट ने, सिविल कोर्ट इस्लामाबाद ने सुन लिया है, सिविल कोर्ट कराची ने सुन लिया और इस पर फैसला दे दिया है, और ऑलरेडी जब फैसला हो चुका हुआ है तो आप इसको दोबारा सुनेंगे नहीं. तो कोर्ट की इस टाइम क्या ड्यूटी है, कि कोर्ट मुझे कहेगी कि जाओ घर जाओ, क्यों, कि ऑलरेडी एक केस का फैसला हो चुका है, वेस्टेज ऑफ टाइम है कोर्ट का, वेस्टेज ऑफ मनी है. अब सेक्शन 12 क्या कहता है, सेक्शन 12 कहता है बार टू फर्ड ए सूट, कि आप दोबारा सूट एक नहीं कर सकते. ठीक है ना, अगर आपने कोई डिग्री ऑब्टेन किया फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, तो इसके बारे में सेक्शन 12 कहता है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी इसके हिसाब से सवाल पूछा जाता है, और प्रैक्टिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है 12-2 स्पेशली जो सेक्शन है. इसके अलावा अगर बात करते हैं 12-2 के बाद अगर बात करें 13 और 14 जो है, ये फॉरेन जजमेंट के लिए है.
वैसे तो फॉरेन जजमेंट, अगर कोई फॉरेन की मतलब बाहर के मुल्क से कोई बंदा जजमेंट लेके आया है, कोई डिग्री लेके आया है कि उस कोर्ट ने मुझे ये डिग्री पास की थी, वो पाकिस्तानी कोर्ट उस पर अमल करती हैं और काबिल कबूल है। लेकिन खुदा न खास्ता कुछ सिचुएशन, उसी में सेक्शन 13 में बता दी कि फॉरेन जजमेंट फ्रॉड से ली है, जिस कोर्ट ने फॉरेन जजमेंट दी है उसके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं थी, लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन थी, या फॉरेन जजमेंट जो है उसने पाकिस्तानी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी, नहीं मानी, तो इस सूरत हाल में फॉरेन जजमेंट काबिल कबूल नहीं होगी। और इसी तरह आप बात करते हैं सेक्शन 14 भी, वो भी फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड ही है। सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 25 जो है ये प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड है। सेक्शन 15-25 प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड है कि केस आपने किस कोर्ट में दाखिल करना है, किस कैटेगरी की होनी चाहिए, ये सारी बातें इसमें बयान की जाती हैं। तो सीपीसी देखिए स्टार्ट हो गई है, सबसे पहले केस आ गया, पहले उसने सीपीसी ने बताया कि अपने इब्तदाइया बताया, उसके बाद कहा कि केस किधर दाखिल कर सकते हैं, एवरी कोर्ट डील कर सकती है, ये केस नहीं, केस कोई भी कोर्ट सुन सकती, और उसके बाद अब वो बता रहा है कि प्लेस ऑफ सुइंग क्या होनी चाहिए। तो सेक्शन 15 की हद तक अब सिर्फ बात करता हूँ। ये सेक्शन 15 में कहा क्या जाता है कि हर केस आपने छोटी कोर्ट से शुरू करना है। आपका मुकदमा है 2 लाख का, अगर आप खुद सोचेंगे तो लॉजिक से आपको जवाब मिल जाएगा कि 2 लाख का मुकदमा आप सीधा सुप्रीम कोर्ट तो नहीं लेके जाएंगे या हाई कोर्ट ले जाएंगे, लाजिम बात है आप छोटी कोर्ट से शुरू करेंगे ना, और फिर छोटी से फिर अगर आप समझेंगे कि नहीं आपने अपील करनी है तो फिर आप बड़ी में जाएंगे, अगर आप पहली बड़ी से करेंगे तो अपील करेंगे छोटी में आएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, या इज़ इट पॉसिबल? जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे? तो सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट कि हर केस आपने लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट से शुरू करना है। और इसके साथ ही सेक्शन 16, 17, 18, 19 और 20 ये गाइडलाइन देता है, ये अब आपको बताता है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन कि आपने 16 आपको कहता है कि आपने केस किधर दाखिल करना है। अब खुद सोचें कि मेरा और आपका झगड़ा हुआ है इस्लामाबाद में, मेरा और आपका ज़मीन का तनाजा चल रहा है इस्लामाबाद में, और आप रहते हैं लाहौर और ज़मीन है इस्लामाबाद में, तो अब मुझे आप खुद सोचें लॉजिक क्या कहती है कि केस किधर दाखिल करना चाहिए, कराची में क्या, दिल्ली में? तो केस भी आप ये देखें ना, पार्टीज़ किधर की हैं, इस्लामाबाद की, और जो मैटर है जो डिस्प्यूटेड मैटर है वो किधर है, इस्लामाबाद। तो अल्टीमेटली केस भी इस्लामाबाद में दाखिल करेंगे ना, बिकॉज ऑल एविडेंस इज़ हेयर, प्रॉपर्टी इज़ हेयर, पार्टीज़ इज़ हेयर, तो सूट भी आपने वहीं दाखिल करना है ना जिधर तमाम चीज़ें हैं, ताकि एविडेंस में भी आसानी होगी, पार्टीज़ को आने में भी आसानी होगी। तो सेक्शन 16 से लेकर 20 तक है कि किधर आपने केस दाखिल करना है। अब ये बात की हमने ज्यूरिडिक्शन के बारे में, 16 से लेकर 20 तक के कोर्ट की क्या ज्यूरिडिक्शन होनी चाहिए। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, क्या कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन पर सवाल उठाया जा सकता है? क्यों नहीं उठाया जा सकता? अगर एक समझे कोर्ट के पास इख्तियार ही नहीं है, और मैं ये समझता हूँ या आप ये समझते हैं कि कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है, तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसी के साथ ही सेक्शन 21 जो है वो ऑब्जेक्शन के बारे में है कि आप कोई भी पार्टी जो अगर ये समझती है कि ये जो कोर्ट के पास प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन नहीं है, चाहे वो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन थी कि लाहौर में आपने केस कर दिया, मैं ये समझता हूँ कि ये केस तो इस्लामाबाद में होना चाहिए था, तो मैं फर्स्ट हेयरिंग में ही कोर्ट पे ऑब्जेक्शन डाल दूंगा कि आप इंटाइटल ही नहीं है ये केस सुनने के, बिकॉज यू हैव नो ज्यूरिडिक्शन। ठीक हो गया। अब जब ज्यूरिडिक्शन है तो इसके बारे में सेक्शन 21 बयान करता है। अब सेक्शन 21 में ये बयान किया जाता है ज्यूरिडिक्शन के बारे में, तो सेक्शन 22 लाजमी बात है ज्यूरिडिक्शन नहीं है, तो मैं लाहौर की कोर्ट में जाके क्या कहेंगे, जी आपके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं, इसको तो ट्रांसफ़र करें। वो कहेंगे जी बात बिल्कुल आपकी ठीक है, तो किधर ट्रांसफ़र करें? तो ये सेक्शन 22 से लेकर 24 तक बताता है कि किधर ट्रांसफ़र करें। ट्रांसफ़र ऑफ सूट से रिलेटेड है, ट्रांसफ़र ऑफ सूट डील्स विद सेक्शन 22 से 24 तक। इसको लिख लें अगर आपने नोट डाउन करना था, कि फिर इसको मैं मिटा लूँगा साथ ही, क्योंकि आगे भी लिखना है। इज़ इट क्लियर? अब आपको टेरिटोरियल और पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन सब पता लग गया। अब कोर्ट में जाकर आप क्या करेंगे? अब आप कोर्ट में चले गए ना, कोर्ट में आपने जाके क्या करना है आप खुद सोचें। तो यही सेक्शन 26 बोलेगा, ये मैं नहीं बोलूँगा। कोर्ट में जाके आपने क्या करते हैं? केस ही दाखिल करते हैं ना। तो सेक्शन 26 टॉक्स अबाउट इंस्टीट्यूशन
और इसका ऑर्डर कौन सा, हमने ऑर्डर ही पढ़ा था, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इसका ऑर्डर है 4, हमने उधर ऑर्डर पढ़ा था। अब इसको आप देखें, दोनों चीज़ों को आपको चाहिए कि आप नथी करने, कंबाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भूलेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं जब अक्सर ऑर्डर्स भी आप पढ़ेंगे, सेक्शन 4, 24, 6 रीड विद ऑर्डर 4। तो ऑर्डर 4, 26 टॉक्स अबाउट इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ओके, हो गया, ऑर्डर भी आपको पता लग गया। ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिलेटेड है और सेक्शन 26 भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिलेटेड। अब आप ये कहेंगे क्या फ़र्क है दोनों का, ऑर्डर में भी यही है तो सेक्शन, लेकिन अब फ़र्क यहाँ समझने की कोशिश करें। सेक्शन में सिर्फ मोटी बात बताई गई है, सेक्शन में सिर्फ मोटी बात क्या बताई गई है कि हर केस को दाखिल करना है किस तरह, वाया प्लीडिंग। लेकिन ऑर्डर ने उसको डिटेल से बताया कि प्लीडिंग किस तरह होनी चाहिए, प्लीडिंग पे साइन होने चाहिए, ये सारे के सारे ऑर्डर्स बताते हैं। सेक्शन जो है वो आपको मोटी बात बता रहा है, आप ये बात को समझें, और ऑर्डर जो है वो आपको डिटेल तरह से पूरा प्रोसेस समझा रहे हैं कि किसी केस को आपने किस तरह दाखिल करना है, किस तरह चलाना है, किस असूल के तहत करना है। तो ये सब चीज़ हमें ऑर्डर बताती है। इज़ इट क्लियर? तो इसके बाद केस इंस्टीट्यूट कर दिया, अब आप समझे केस आपने इंस्टीट्यूट कर दिया, अब क्या होगा? वैसे ही होगा जिसे हमने ऑर्डर में पढ़ा था। ऑर्डर 4 में हमने कहा था इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, और ऑर्डर 5 में हमने क्या कहा था, समन जारी करेगी ना, तो इधर भी क्या करेगी, सेक्शन 26 में हमने कहा इंस्टीट्यूशन, और 27, 28 और 29 समन जारी होंगे। ये इन केस के सेम डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब इस्लाम लाहौर का बंदा है वो लाहौर में ही है, कराची का बंदा, तो ये प्रोसेस। अगर कराची का बंदा इस्लामाबाद में है तो क्या प्रोसेस इख्तियार करेंगे, सेक्शन 28 बताता है। और अगर एक बंदा फॉरेन कंट्री में है तो सेक्शन 29 डील करता है कि क्या प्रोसेस कोर्ट इख्तियार करेगी समन भेजने के लिए। तो सेम प्रोसेस देखें, जिस तरह CPC उधर मूव की थी, इधर भी CPC उसी तरह मूव कर रही है, हल्की हल्की कर रही है, उधर भी हल्की हल्की की थी। ठीक हो गया, तो अभी बात करते हैं हम सेक्शन 30-35 पे आते हैं। सेक्शन 30 की बात करते हैं अब, 27, 28, 29 तो क्लियर हो गए यहाँ तक। सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी, जिसने हमने याद करें ऑर्डर 11 में पढ़ा था कि फर्दर डिस्कवरी कर सकती है, इंस्पेक्शन का कर सकती है, तो इस बारे में सेक्शन 30 बात करता है। और डिस्कवरी हो गई तो कोर्ट अब क्या करेगी, डिस्कवरी के बाद हमने जिस तरह उधर कहा था कि विटनेस को बुलाएगी, तो ऑर्डर सेक्शन 31 जो है वो क्या है, विटनेस से रिलेटेड है, समन टू विटनेस करेगी और विटनेस को ऑर्डर करेगी कि फलां तारीख को आप आओ। और लेकिन इसको डिटेल में सारा जो प्रोसेस है वो हमने किस ऑर्डर में पढ़ा था, विटनेस को जो उसको बुलाने का था वो ऑर्डर 16 था और एग्जामिनेशन ऑर्डर 18 के थ्रू थी। तो अब ये देखें, उधर और इधर दोनों का रिदम चल रहा है साथ, ठीक हो गया ना। अब क्या हो गया कि कोर्ट में विटनेस भी आ गए, कोर्ट ने सारी सुनवाई भी कर ली, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट फैसला करती है, जजमेंट पास करेगी, डिग्री देगी। तो वो किस ऑर्डर के थ्रू है, ऑर्डर 33। ऑर्डर 33 में डिग्री पास की जाती है। और उधर हमने ऑर्डर क्या पढ़ा था, उधर हमने ऑर्डर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, किसी को नहीं याद है, ऑर्डर 20 पढ़ा था, डिग्री जजमेंट का जो ऑर्डर है 20 था। और इधर ऑर्डर 33 में कोर्ट के पास इख्तियार है, लेकिन इधर से बताया जाता है कोर्ट ने डिग्री करनी है, जज साहब ने डिग्री करनी है, इसका प्रोसेस किस तरह करनी है, ये सारा का सारा ऑर्डर 20 बयान करता है। और सेक्शन 32 को मैं छोड़ गया, वो जान के छोड़ा ताकि आपको समझ लग जाए, क्योंकि वो इसका ऑर्डर कोई नहीं था कि अगर कोर्ट ने कोई पेनल्टी लगानी है, कोर्ट ने पेनल्टी लगानी है, एक बंदा गैर हाजिर है, नहीं आ रहा कोर्ट, चाहे वो डिफेंडेंट हो चाहे वो विटनेस हो, तो कोर्ट इस सूरत में सेक्शन 32, 4, 5 चीज़ें बयान करता है कि अगर एक बंदा नहीं आ रहा तो कोर्ट उसे पेनल्टी लगा सकती है। क्या क्या कर सकती है कोर्ट उसे, 32 के अंदर अरेस्ट कर सकती है, कोर्ट अगर चाहे तो उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकती है, उसको सील कर सकती है, या उसे कह सकती है कि अपनी सिक्योरिटी फर्निश करें ताकि नेक्स्ट टाइम आप ऐसा काम ना करें, और इंशाल्लाह जब ये केस ख़त्म होगा तो आपकी सिक्योरिटी आपको वापस कर देंगे। तो ये ऑर्डर 32 के थ्रू है। 33 में हमने क्या कहा कि डिक्री करती है, जजमेंट करती है, और इसका ऑर्डर हमने पढ़ा है ऑर्डर 20। अच्छा, आप डिक्री में अगर देखें तो डिक्री में कोर्ट क्या करती है, अवार्ड करती है, आपके हक में फैसला देगी। और साथ कभी कभार आपने कोर्ट में देखा होगा, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो इस बात को सेकंड करेंगे कि कोर्ट में अवार्ड इंटरेस्ट एंड कॉस्ट एंड मनी सूट्स,
इंटरेस्ट क्या कह देती है कि यार आपकी जायदाद थी, आपके 10 लाख रुपए थे, इसने 5 साल से रखे हुए थे, तो उसको कह देती है कि आप इस पर इंटरेस्ट दो इसको, या कॉस्ट का कह देती है। तो अब जो अगले सेक्शंस आ रहे हैं वो इंटरेस्ट और कॉस्ट से रिलेटेड। अब देखिए सिमेट्री तरतीब से फिर ये भी सीपीसी चल रही है। जजमेंट आई, जजमेंट के साथ ही बता दें कि जैसे ही आपके पास जज का ऑर्डर आएगा तो क्या पता उस पर कॉस्ट लिखी हो, क्या पता उसमें इंटरेस्ट लिखा हो। तो सेक्शन 34 टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट, सेक्शन 34 टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट, जबकि सेक्शन 35 जो है वो टॉक्स अबाउट किसके बारे में है, कॉस्ट से रिलेटेड है। और फिर इसमें फर्दर डिटेल में आप जाएंगे तो एक जनरल कॉस्ट होती है और स्पेशल कॉस्ट भी होती है कि कोई पार्टी ना आ रही हो तो उस पर कॉस्ट लगा दी जाती है, लेट आ रही है मतलब केस को डिले टैक्टिस के रूल्स इस्तेमाल कर रही है तो कोर्ट इस सूरत में उस पर कॉस्ट लगा सकती है। आफ्टर सेक्शन 35 ऑफ सीपीसी पार्ट 2 ऑफ सीपीसी स्टार्ट्स विच टॉक्स अबाउट एग्जीक्यूशन, मतलब किसके एग्जीक्यूशन, जिस तरह हमने इसका ऑर्डर हमने कौन सा पढ़ा था, ऑर्डर 21 पढ़ा था। और सेक्शन जो है 36 से लेकर 74 जो डील करता है वो किससे करता है, एग्जीक्यूशन से। एक लंबा पोर्शन एग्जीक्यूशन का जो है ना सीपीसी ने घेरा हुआ है। तो इसमें क्या क्या सेक्शन 36 से लेकर 74 तक क्या क्या बातें बयान की गई, इसमें किस तरह जो है एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन दाखिल करनी है, किस किस तरीके से एग्जीक्यूशन दी जा सकती है, मतलब अमल अदालत का कोई हुक्म ना माने तो उसमें उन्होंने प्रोसेस बताए हैं तरीक़ेकार कि एक बंदे को अरेस्ट किया जा सकता है, अरेस्ट करके उसे कहा जाता है ये काम करो, अरेस्ट के बाद उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी उस पर फाइन किया जा सकता है एक्स्ट्रा, उसके अलावा फिर भी ना हो तो अदालत के पास आखिरी इख्तियार होता है उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी कर देती है, उसकी प्रॉपर्टी को नीलामी करके कर सकती है। जिस तरह समअप करता हूँ इधर में कि जिस तरह हमने उधर पढ़ा था ट्रायल को शुरू किया था ऑर्डर्स में और ऑर्डर 21 हमने पढ़े थे एग्जीक्यूशन के बारे में, ट्रायल एंड हुआ था, इस तरह हमने इधर भी देखें ट्रायल को इंस्टीट्यूट किया और ट्रायल को इंस्टीट्यूट करने के बाद हमने अब एग्जीक्यूशन पे आ गए और एग्जीक्यूशन से ट्रायल इधर एंड हो गया सीपीसी का। इज इट क्लियर? इम्पॉर्टेंट सेक्शन सीपी इसके बारे में नेक्स्ट जो कोई होगा, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और मेरे ख्याल से आप लोग भी थक गए होंगे, तो सीपीसी का बस यही बताना चाह रहा था कि ट्रायल हमने शुरू कर लिया और ट्रायल ख़त्म कर लिया। इसके बाद जो है कि आएंगे ऑर्डर्स में भी कि जिसमें आएगा कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर केस करना है एम्प्लॉय कोई है उसके ख़िलाफ़ किस तरह कर सकते हैं, सूट फॉर पॉपर क्या होता है, और किसी मिलिट्री बंदे के ख़िलाफ़ करना है वो किस तरह कर सकते हैं। और फिर ऑर्डर्स आएंगे 40 के बाद अपील से रिलेटेड होंगे, रिव्यू रिवीजन वो हमें रह गए, ठीक है। और इस तरह सेक्शंस भी आएंगे 96, 7, 8, 102, 103, ये सारे अपील से रिलेटेड हैं, फर्स्ट अपील सेकंड अपील। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग भी एग्जॉस्ट हो गए होंगे और इतना ही आज आप दिमाग में बैठे तो एनफ है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके साथ ये सारा का सारा डिटेल में से डिस्कस कर देंगे।